संतुलित रूप से वितरण करें। जब हम क्षेत्र वर्ग के बारे में विचार करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि बहुत सारे क्षेत्र और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो वर्षों से अथवा प्राकृतिक रूप से या अन्य किसी और परिस्थिति में वशीभूत होकर वो विकास की दौड़ में प्रतिस्पंदन की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए ऐसे वर्गों को क्षेत्रों को चिन्हित करें और उनकी पहचान करके उन्हें अतिरिक्त मदद सरकार की तरफ से कैसे जाए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें। इस दृष्टि से अगर हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि देश में गरीबी है, कुपोषण है, बेरोजगारी का भी संकट है, लेकिन इसके साथ साथ किसानी का भी बड़ा क्षेत्र हमारे देश में विद्यमान है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि के क्षेत्र में ही वह काम करती है। ऐसे अगर हम पूरे कृषि क्षेत्र के निर्गम दृष्टि को देखें तो ध्यान में आएगा कि हमारी अधिक आवश्यकता को पूर्ण करने वाला कोई क्षेत्र है तो कृषि का क्षेत्र है। आधी से अधिक आबादी की निर्भरता अगर किसी क्षेत्र पर है तो वह कृषि क्षेत्र पर है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रोजगार का अवसर भी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को प्राप्त होता है। इतना विस्तार और इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के बाद भी हमारे ध्यान में आता है कि कृषि का क्षेत्र बहुत मुनाफे का क्षेत्र नहीं और विशेष रूप से देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं वो मुनाफे की खेती कर पाए इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसानी का काम सरकारी सहायता से चलता है, किसान के परिश्रम से चलता है और जैसे तैसे ये काम आगे बढ़ता रहता है। लेकिन इसके दूसरे पक्ष को अगर हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि यह क्षेत्र बहुत प्रासंगिक है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कितनी ही प्रतिकूलता आए लेकिन अगर कृषि का क्षेत्र और किसान मानसिक रूप से उससे लड़ने की और जूझने की स्थिति में है तो सारे क्षेत्र थक सकते हैं लेकिन कृषि का क्षेत्र और किसान का परिश्रम ऐसा है प्रतिकूल अवस्था में भी देश को उससे निकालने की क्षमता अपने भीतर रखता है। कोविड का संकट आया, लॉकडाउन हुआ, देश और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सारे कल कारखाने बंद हो गए, आवाजाही बंद हो गई, पहिए थम गए,
और ऐसा लगता था कि पता नहीं आने वाला कल कितना भयावह होगा। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और साहस पूर्वक जो निर्णय हुए उनके परिणाम स्वरूप देश में कोविड संकट पर नियंत्रण पाया जा सका। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात तो उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, कोविड के इस कालखंड में सारी दुनिया को चरितार्थ करके भी बताया। हमने अपने देश पर महामारी पर नियंत्रण किया, अपने स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने में महारत प्राप्त की और पूरा देश राज नागरिक प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस महामारी से लड़े। इस दौरान दुनिया के अनेक समृद्ध देशों को हिंदुस्तान की ओर दवाइयों के लिए निहारना पड़ा, लेकिन हिंदुस्तान ने पीठ नहीं दिखाई। अपने यहां संकट होते हुए भी दूसरे देशों के साथ मानवीय संबंध को निभाया और कोविड के संकट के दौरान भी दवाई दूसरे देशों को देने का काम किया। जब वैक्सीन की बात चल रही थी तो दुनिया में हुआ कौन की स्थिति थी, शायद हिंदुस्तान के लोग सोचते रहे होंगे कि दुनिया के समृद्ध देश पहले वैक्सीन बनाएंगे, वो वैक्सीन हमको मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन हम सब को इस बात का गौरव हासिल है कि कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण हमारे वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया तो हम वैक्सीन बना ही नहीं सके, हमारे यहाँ वैक्सीन को लगना प्रारंभ हो गया है और दुनिया के मित्र देशों को भी भारत वैक्सीन देने वाला देश बन गया। तो इसी प्रकार से जब संकट की स्थिति हो तो कृषि हमारे लिए महत्वपूर्ण पायदान है और इसलिए अच्छी सरकार वही सरकार है जो गांव गरीब किसान के बारे में विचार करे, समग्र विकास संतुलित विकास की कल्पना को साकार करे और गरीब को भी अगर कोविड के कालखंड में 8 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न देने की जरूरत पड़े तो मुफ्त खाद्यान्न देने का काम करे और अगर छोटे और सीमांत किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1 वर्ष में 6,000 रुपए की आय वृद्धि करने की आवश्यकता पड़े तो इस योजना के माध्यम से देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को लाभान्वित करने का काम करें। मैं अच्छी सार्थक और आम किसान की आय में वृद्धि करने वाली इस योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका इस मौके पर निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम को सार्थक रूप से क्रियान्वित करने में राज्य से लेकर जिला और गांव तक मैं तैनात भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न भिन्न अधिकारियों की भूमिका रखी है। राज्य सरकारों ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज ये कार्यक्रम
पूरे देश में सफलता पूर्वक संपन्न हो रहा है, इसमें राज्य सरकारों का बड़ा योगदान है। इसलिए मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और उनकी पूरी टीम जो नीचे तक फैली है उसको भी इस मौके पर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी शुभकामनाएं देना। इस अवसर पर राज्य सरकारों को एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, कभी कभी जल्दबाजी में या लापरवाही में पीएम किसान का पैसा एक एक स्थान पर भी को चला जाता है। कई बार यह भी ध्यान में आता है कि बहुत सारे लोग जब जिलों में जाओ तो हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही, यह भी कहते रहते। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास करते हैं तो उनके ध्यान में आता होगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे वो सरकारी अफसर हो, गांव में जब हम किसी भीड़ भरे कार्यक्रम में होते हैं तो उसमें बहुत सारे आवेदन पत्र हमें मिलते हैं। उन आवेदन पत्रों की संख्या में बड़ा हिस्सा दो प्रकार के आवेदन पत्रों का होता है, एक कोई बूढ़ी या विधवा माँ वो पेंशन के लिए अपना आवेदन देती रहती है, और या फिर कुछ लोग अपने बच्चे की नौकरी के लिए आवेदन देते हैं। नौकरी का विषय तो अलग है, सामान्य तौर पर आज के समय में बिना पात्रता के किसी को दिया जाना कठिन है, लेकिन पीएम किसान योजना के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में बजट प्रावधान है, इसकी प्रक्रिया कठिन भी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी पोर्टल बनाया है, नीचे तक आप सबका तंत्र है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी है हमको एक बार अभियान चलाकर उस लाभार्थी की संख्या को अपने राज्य में जीरो करना चाहिए। जो पात्र व्यक्ति है वो कहीं भी एक ऐसा नहीं मिले कि मुझको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है। जब आप सबने प्रयत्न पूर्वक 10,75,00,000 लोगों को इसमें जोड़ा है तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत छोटी छोटी संख्या अभी जिलों में बची हुई है। अगर उसको हम जीरो कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारी एक बड़ी सफलता होगी, और इसमें पैसे की कठिनाई नहीं है। इसलिए इसमें किसी को जोड़ा जाना, लाभ दिया जाना, इसमें किसी प्रकार का संकट नहीं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आने वाले कल में ऐसी परिस्थिति ना आवे कि अगर गांव में दो ही लोग बचे हैं और दो लोग भीड़ में खड़ा होकर बोले कि हम पात्र भी हैं और हमको सम्मान निधि नहीं मिल रही। हर पात्र व्यक्ति तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच जाए और उसको इसका लाभ मिल जाए, यह सुनिश्चित हम सब लोगों को करना चाहिए। जिन राज्यों ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आज मंत्रालय के द्वारा उनको पुरस्कृत करने का काम किया है, उन राज्यों के माननीय मंत्रीगणों का और अधिकारीगणों का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषकों के किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत बड़ा था। मैं निवेदनों पीएम किसान के दूसरे वर्ष का कल्याण से बहुत महत्वपूर्ण है, आगे के लिए हमारा मार्गदर्शन मार्गदर्शन मिलेगा। आज के साथ में आप सबकी उपस्थिति के लिए आराम का आशा व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूँगा। श्री राकेश कुमार तिवारी जी, मंत्रालय में डॉक्टर किसान, श्री राकेश कुमार तिवारी।
में राज्य के आई मंत्रीगणों का जो भी राज्य की टीम के साथ यहाँ आए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम इनकी योजना कार्य किए हैं और बहुत ही कम समय में 10% लाख लोगों का डेटा एकत्रित किया है, बल्कि उसमें कोई अगर कुछ नहीं है, चाहे आधार में चाहे गाँव में चाहे किसी और प्रकार की उसको ठीक करने का कार्य किया है, जिसके कारण हम इन 10-10 लाख लोगों को इतना लाभ पहुँचा पाए हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं माननीय सचिव महोदय श्री संजय कुमार जी का एवं हमारे कई सचिव महोदय टीम व्यक्त करता बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सतत दिशा निर्देशन एवं कुशल नेतृत्व के काम करके हमने इस योजना के लिए आप सबसे